दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या कोरोना वायरस इंसानों द्वारा बनाया गया है, क्या चाइना ने इसका दवा बना लिया है और क्यों चाइना की सारी फैक्ट्रीज फिर से शुरू हो गई है, वहीं भारत में सारी फैक्ट्रीज बंद है। दोस्तों आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप एक बार शेर के सामने खड़े होकर ये भरोसा कर सकते हो कि ये आपको नहीं काटेगा, लेकिन चाइना जैसे देश के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसकी सबसे बड़ी वजह चाइना की सोच और उसके काम करने का तरीका है। क्योंकि चाइना अपने लोगों को अपना समझता ही नहीं है तो दूसरे देशों के लोगों को क्या खाक समझेगा। और इसी चीज से जुड़ी एक बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली बात सामने आई है जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको चाइना से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको हैरान करके रख देंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हम आपको बता दें कि चाइना और वहां के लीडर्स हमेशा से ही माओइस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। माओ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चेयरमैन थे और हमेशा इनका एक ही चीज कहना था कि जब आप ताकतवर हो तो खुद को कमजोर दिखाओ और जब आप कमजोर हो तो खुद को ताकतवर दिखाओ, यानी कि लगातार लोगों को मैनिपुलेट करते रहो जिससे कोई आपकी असल स्थिति का पता ना लगा सके, और इसी चीज को चाइना करता रहा है। बात अगर धोखेबाजी की जाए तो चाइना के खून में धोखेबाजी है और चाइना के धोखे का शिकार हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो चुके हैं, जहां पर उन्होंने चाइना से हाथ दोस्ती का मिलाकर उन्हें V2 पावर दे दी और फिर बाद में चाइना ने हम पर ही हमला कर दिया। ये पहली बार नहीं था, चाइना बहुत बार ऐसा कर चुका है जहां पर उसने कई बार हमारे देश का भरोसा तोड़ा है। हमारे ही देश का नहीं बल्कि चाइना हर देश के साथ ऐसा ही करता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। और आपको बता दे चाइना अपने देश के लोगों को कुछ नहीं समझता, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सब तो पुरानी बातें हैं। अगर हम अभी की स्थिति की बात करें तो पूरी दुनिया में बच्चे बच्चे को पता है कि जिस कोरोना महामारी की वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अपने घरों में रहने पर हर कोई मजबूर है, उसके साथ ही कई शहरों में लाशों के ढेर बिछ रहे हैं और इन सब का एकमात्र जिम्मेदार चाइना ही है। कहने को तो जब से कोरोना महामारी चली है तब से बात सामने आ रही कि कोरोना वायरस चमगादड़ की वजह से फैला है, लेकिन उसके बाद भी कई और जानवर सामने आए जिसकी वजह से कोरोना वायरस के फैलने की बात कही गई, और अंत में ये बात सामने आ रही है कि कोरोना वायरस को चाइना की लैब में बनाया गया। और इसी बात को जानने के लिए यूएसए लगातार एक कोशिश कर रहा है कि वो चाइना की लैब में जाकर इस बात की रिसर्च करे कि क्या सच है, लेकिन चाइना अपनी लैब में किसी को भी आने की इजाजत नहीं दे रहा, जो लोगों के शक को यकीन में बदलती हुई नजर आ रही है। और इसी चीज के बाद कई सारे देशों ने मांग की है कि चाइना के ऊपर कार्रवाई की जाए और साथ ही यहाँ की वायरोलॉजी लैब में भी जांच की जाए जिससे कोरोना वायरस के फैलने की मेन वजह सामने आ सके। और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब तक किसी चीज की शुरुआत नहीं पता चलती तो उस चीज का अंत कैसे होगा ये मुश्किल है, और इसी कारण लगातार हर देश ये कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके कोरोना वायरस की शुरुआत की पता चल सके ताकि उसके अंत का यानी कि उसकी दवाइयों का इंतजाम किया जा सके। और हम आपको बता दें खेल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि चाइना ने बहुत लंबा चौड़ा खेल खेल रखा है जिसमें हम हर चीज से पर्दा उठाएंगे। जहां पर सबसे पहले बात की जाए चाइना में कोरोना वायरस के केसेस की, तो जिस हिसाब से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैल रहा है, अरे आप दुनिया भर की छोड़िए, आज हमारे देश में पिछले एक महीने से ज्यादा समय से लॉकडाउन लगा हुआ है, हर कोई अपने घरों में कैद है, तो भी आज भारत में 35,000 से ज्यादा कोरोना वायरस पॉजिटिव केस पाए गए हैं। ऐसे में जब ये हाल हमारे देश का है तो जाहिर सी बात है जिस जगह से कोरोना वायरस ने फैलना शुरू किया है वहां तो इसने सबसे ज्यादा तबाही मचा दी होगी, लेकिन अब चाइना कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहे देशों में बहुत नीचे आ गया है और यूरोप के देशों के साथ साथ अमेरिका सबसे नंबर वन पर चल रहा है। खैर अमेरिका तो हर चीज में आगे रहता है और इस बार कोरोना महामारी की चपेट में भी सबसे आगे है, जिससे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चाइना में कोई ना कोई साजिश तो जरूर हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चाइना ने कोरोना वायरस का दवा बना लिया है और आने वाले समय में पूरी दुनिया को महंगे दामों पर यह दवा बेचेगा। वहीं अगर बात की जाए चाइना में मौतों की, तो भले ही चाइना क्यों ना कहे कि हमारे यहाँ सब कुछ सही है, लेकिन हम आपको बता दें चाइना में बहुत भारी संख्या में मौतें हुई है, लेकिन चाइना अपना डाटा छुपा रहा है। हमेशा की तरह ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देना चाहता ताकि दुनिया को ये पता लगे कि चाइना में सब कुछ कंट्रोल हो गया है, यहाँ तक कि उसने WHO को भी अपनी तरफ कर लिया है।
तभी तो सारी चीजें चाइना के हिसाब से हो रही हैं। और अगर ये वायरस चाइना में बना है तो भी चाइना को अपने देश के लोगों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि यहाँ की आबादी तो वैसे ही ज्यादा है और 3-4 लाख लोग मर भी जाते हैं तब भी चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि सिर्फ कोरोना वायरस ही वो चीज है जो उसे दुनिया की भीड़ में अलग खड़ा कर सकती है। और आज ऐसा ही हो रहा है, जहां हर देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ कर अपनी फैक्ट्री बंद करके बैठा है, वहीं चाइना धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रीज को ग्रो कर रहा है। और अब वो दिन दूर नहीं जब चाइना इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। लेकिन आपका चाइना की इस खतरनाक साजिश के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर जरूर करना, ताकि सभी लोगों को ये बात मालूम चल जाए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।